Brijbhushan Singh was a BJP member of parliament in 1992. According to Jaibhan Singh Pawaiya, Singh had planted a petrol bomb inside the Babri Masjid, but the bomb fizzled out. In conversation with Cobra Post reporter K. Ashish, he also tells the reporter that the whole Janmabhoomi issue could have been resolved between the Hindus and the Muslims themselves if the outsiders had not gotten involved. सामूहिक प्रयास होता है सामूहिक प्रयास तो किया लोगों लेकिन उसमें नरसिंहराव की सरकार थी कोर्ट का विवाद पैदा हो गया वहाँ तो हमारा मानना यह है कि हम वहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं इस पूरे प्रकरण को बाहर के लोगों ने पूछ दे दिया वो चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो अगर बाहर के लोग इन्वॉल्व ना होते तो राजनीतिक रोटी न सेकते दोनों पक्ष अगर राजनीतिक रोटी न सेकते तो आपस में बैठ करके वहाँ फैसला हो सकता था कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती क्योंकि वहाँ का जो आम मुसलमान है मंदिर या मस्जिद से उसका कोई लेना देना नहीं वो उसको भूल चुका है। Brijbhushan Singh further informs the reporter that some of the Hindutva leaders present at the dais at Ramkatha Kunj fled the scene after the Babri Masjid was demolished. Did they fear legal consequences? But those who stayed back included L.K. Advani, H.V. Seshadri and Uma Bharti, amongst others. ना भगने वालों में भर्ती नहीं होगी फिर अडवाणी जी नहीं रहते थे प्रसादी जी नहीं होते थे अच्छा गोपाल दास भग गए लीजिए मसाला नेत्र गोपाल दास जी मंदिर का नाम आज याद करते ये भग गए थे मिले हैं उनसे भग गए थे मेरे सामने स्कूटर पर गिर पड़े भग गए पंडित धर्मधर जी स्कूटर चला रहे थे भग गए बिना कटे 10 बजे भग गए शाम को फिर आ गए Brijbhushan Singh narrates how Kalyan Singh's resignation was stage managed by the Sangh functionaries. किसने रोका सर फिर बीजेपी के सारे नेता शेषाद्री जी ने फोन किया बीजेपी के सारे नेता जो लखनऊ में मौजूद थे जाकर के कल्याण सिंह को एक तरीके से अघोषित कैप्चर कर दिए बैठिए 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 करके 5 बजे लखनऊ वापस चले गए कौन यार कौन पत्रकार कल्याण सिंह यहाँ यहाँ थोड़े से कल्याण सिंह कल्याण सिंह वहाँ इस्तीफा देने चल पड़े 10 बजे पता लग गया कि जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए तो लोगों ने फोन किया शेषाद्री जी ने फोन किया वहां पर या किसी नेता ने फोन किया तो जो लोग लखनऊ के अंदर थे वो लोग जाकर के उनके यहाँ बैठ गए ऑफिस में बैठे 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 करते करते 5 बजे आ गए उनको जाने नहीं दिए मतलब ये प्लानिंग के तहत क्या प्लानिंग था मतलब उनको रोका गया एक तरीके से उनको रोका तो गया लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले